and welcome you watching Sitare Masti mein. Main hoon Nitin and hamare saath aaj jo do bahut hi talented actors hain unme the male actor unke saath duniya ke sare dil jale connect karte hain aur jo female actor hain unke liye itna hi keh sakte hain ki unke saath sari duniya ke ladke dil laga baithe hain Pratik Harbanda and Karthik Aryan welcome thank you so much congratulations sabse pehle to dil jalon ke saath connect karne wale insaan ke saath kaise connect kar liya Kriti I think I rock in the same boat as them. जो इनका opinion है औरतों को लेकर मेरा वही opinion है मर्दों को लेकर तो I think वो thinking थोड़ी balance हो गई हमारी सबसे पहली बार शो की शुरुआत में ही इन्होंने कबूल लिया कि ये मेल वर्जन फीमेल वर्जन है कार्तिक आर्यन का इस फिल्म में गेस्ट इन लंदन कौन पहले आया था और कौन गेस्ट बन के बाद में आया हम लोग का क्या था कि हम लोग कास्टिंग जब कर रहे थे मेरे को अश्विनी सर ने पंचनामा फिल्म देखी हुई थी तो उसके थ्रू उन्होंने बुलाया होता मीटिंग हुई थी और मैं डिसाइड मतलब स्क्रिप्ट नरेशन हुआ अगेन एंड देन आई वाज लॉक्ड फॉर द फिल्म आई लव द स्क्रिप्ट व्हिच इज़ वेरी वेरी फनी एंड वेरी इमोशनल एज वेल उसके बाद चक्कर क्या हुआ कि हमें लड़की ढूंढने के टाइम पर कोई लड़की ही नहीं मिल रही पूरी इंडस्ट्री में आई थिंक कुछ स्कैसिटी है हीरोइंस का नहीं है सर जैसे कर्म किए ना इन द पास्ट नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ दैट नहीं 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 ऐसा हां शायद मेरे साथ कोई हीरोइन काम ही नहीं करे क्योंकि मैं वो मोनोलॉग और लाइक द स्कैसिटी थिंग बेटर मेक्स मी फील मोर या दैट्स व्हाट मोर इंपॉर्टेंट हां तो अब उसके चक्कर में हम लोग जब ढूंढ रहे थे तो मैं रोज एक नई मोहतरमा के साथ कुछ उनके साथ फोटो शूट कर रहा था या फिर वो मेरे को आँखों में देख के मैं उनको देख के लिप सिंक कुछ गाना चल रहा था तो वो केमिस्ट्री देख रहे थे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स एंड फाइनली केम कृति एंड कृति आई थिंक एवरीबडी जस्ट लाइक्ड हर एकदम इंस्टेंटली द मोमेंट शी अराइव्ड एंड शी वाज देयर एंड आई थिंक हम लोग एकदम क्लिक भी इंस्टेंटली किए थे And she's really confident and she's amazing co-star. So I'm really lucky कि हम लोग मतलब इतने दूर तक जाते गए ये लोग और सोचते रहे कुछ करे and she finally arrived in the scene and took over and yeah. And you guys are looking awesome together. Yeah. You know, साथ में बहुत बहुत अच्छे दिख रहे हो आप लोग. Your version of the story, the first मुलाकात कैसे हुई कहाँ हुई कब हुई? लवरंजन सर जो इनके प्यार के पंचनामा के डायरेक्टर उन्होंने मेरा नाम रेकमेंड करा था मैं इनसे शाम में मिली थी उससे पहले ये दो लड़कियों के साथ नाच गाना कर चुके थे मुझे लग रहा था मेरे ऑडिशन चल रहे कार्तिक आया अंदर हेलो हाय हुआ एंड दे सेड चलो रोमांस शुरू करो लाइक व्हाट चलो व्हाट डू यू मीन रोमांस शुरू करो दे लाइक नहीं अब गाना चलाएंगे लिप सिंक करो और हम दोनों तो ऐसे रोमांस कर रहे थे जैसे शाहरुख काजोल कर रहे हो यार ये तो मतलब इतने अच्छे मौके ऐसे मिलते हैं और ये वैसे ही फालतू में लोगों को बदनाम करते फिरते हैं कार्तिक लड़कियां ऐसी होती हैं वैसी होती हैं मतलब मौके देखो कितने अच्छे-अच्छे मिलते हैं ऐसा एक्टर बनने के बाद ये तो सही बात बोल तंग किया कृति नहीं नहीं ऐसे कभी तक नहीं किया उन्होंने कभी उफ तक नहीं मतलब आने दिए मैंने इसको मोनोलॉग बोलने का मौका नहीं दिया बस हां मतलब क्या है वो मोनोलॉग की अगर बात करें आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन द मूवी है ना वो देखा भी होगा कई बार देखा होगा व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन डिड यू टॉक टू हिम अबाउट इट बात हुई उसके बारे में कि यार तुम्हारा नहीं मेरे को इसका दर्द समझ आता है No, a lot of women are very annoying, but that doesn't change the fact that a lot of men are also very annoying. Right. So I understand it. Whatever they said, to a certain degree, of course, इन्होंने थोड़ा exaggerate कर दिया था, but cinematic liberty. जैसा था वैसे ही बोला. अच्छा, सत्य है. हाँ, सब सत्य है. Real life में कितनी बार हुआ इस type का? बेटा तेरा. तू ब्रह्मचारी जीने वाला है. तू रुक. हुआ ऐसा real life में. On the contrary, मैं वही बता रहा हूँ कि monologue हम लोगों ने जब किया, मेरे को तो personally लगा था कि अब मेरे को जूते चप्पल पड़ने वाले हैं. मेरी मम्मी को तो लगा था मेरे हाथ पीले नहीं होंगे कभी. लेकिन अलग तरीके से नहीं लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी इसमें मोनोलॉग लड़कियां ही पूछती हैं हर बार कि प्लीज सुना दे यार एक बार वो मोनोलॉग या वो मतलब ये अच्छा है सब है लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ द ट्रूथ इज कि हमें तुम लोगों की तड़प देखने में बहुत मजा आता है हाँ ये भी हो सकता है कितनी बार हुआ कितने लड़कों को तड़पाया है या एज यू सेड कि उनका फीमेल वर्जन तो कितने लड़कों ने तड़पाया मुझे हाँ ऑफ कोर्स आई हैड माय हार्ट ब्रोकन क्या बात कर रही हो अबे One boy has broken my heart. That's all. The others haven't really. बेचारे चाचा चाची आए हुए हैं यार दोनों मिलके उनको इतना सता रहे हो मतलब शर्म नहीं आई बिल्कुल भी हम उन्हें सता रहे हैं हमें... उनको निकालने के लिए तैयार हो रहे हो बोझ नहीं चला जा रहा एग्जैक्टली वही इनके घर भेजो नहीं नहीं एग्जैक्टली आप रख लो आपको इतने पसंद है तो ऐसे मेहमान आपके साथ ऐसा कर देते हैं व्यवहार कि आप जब घर जाओ ना अपने तो ऐसा लगता है आप किराए के मकान में आ गए राइट वो ओनर है और आप मेहमान आए हो तो ये सिचुएशन पैदा कर दी थी इनने
बुजुर्गों की बात तो बच्चों के लिए आशीर्वाद समान होती है, मैं मोहल्ले में बांट के यू नो दिस से अतिथि देवो भव, इनके इनकी हालत देख के अतिथि देखो और भगो वाली सिचुएशन मेरे को अतिथि देवो भग हाँ देखो मैं देखते ही भाग जाओ इनको. यू नो टॉकिंग अबाउट ऐसे गेस्ट्स, हम सब के घरों में यार हमारे हमारे कल्चर में है बड़े सारे गेस्ट यहाँ से वहाँ से आते हैं. आप लोगों के घर ऐसे कभी आए ऐसे पापी टाइप के गेस्ट? एक कजन है, इरिटेटिंग कजन है यार वो बहुत. हाँ. वो उसकी एक बहुत गंदी आदत है कि वो भाई साहब बाथरूम का दरवाजा नहीं बंद करता. ओके. वो खुला रखता है और वो नहा रहा हो चाहे वो कुछ और कर रहा हो चाहे वो मुंह धो रहा हो वो नहाएगा लेकिन उसको उसको लगता है वो राजा है. आप गलती से वॉशरूम चले गए तो वो आपकी गलती है कि आपने उसको नंगा देख लिया. आप बताएं अगर आप किसी के घर जाओगे मेहमान बनके तो कौन सी एक प्रॉब्लम होगी उसको दोनों के लिए? मैं नहाता बहुत देर तक हूँ तो मैं वॉशरूम अगर एक ही हुआ तो उसको रुकना पड़ेगा फिर. I think what will irritate them the most about me is मुझे जबरदस्ती की बातें करना नहीं अच्छा लगता. I don't like company जबरदस्ती की. और अगर कंपनी भी है तो उधर बैठो मैं इधर बैठी हूँ. मुझे बोले साउथ की फिल्मों में बड़ा तोड़फोड़ एक्शन उक्शन होता है तो यहाँ पे आपने कुछ ऐसा जलवे दिखाए सेट पे? मैं सीख कर आई हूँ अभी दिखाओ. हाँ मतलब इट्स ओके. तो ऐसा कुछ था कि योर स्पेशल इनपुट्स इन द मूवी कि यार तोड़फोड़ होना चाहिए कुछ ऐसी फिल्म करनी चाहिए वैसी करनी चाहिए? आई थिंक एक वो जो ओवर ड्रामेटिक होने की आवश्यकता थी इस मूवी में मैंने कर लिया क्योंकि आई हैव लर्नड दैट बिफोर. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक आई एम अ स्ट्रांग पर्सन. एक शॉट है ट्रेलर में अगर आपने देखा होगा इन्होंने उठा के मुझे गिराना था तो नीचे गद्दा लगाया हुआ था एंड I felt half outside the gadda the first time and half inside the gadda. It was super fun, but because I'm a strong girl, nothing happened to me. Cut के बाद हमला तो नहीं किया? नहीं actually नहीं किया. नहीं मैंने गद्दे लगवाए उसके बाद. You know talking about Paresh ji and Tanvi Azmi, super actors यार. नहीं मैं अब बात कर रहा हूँ. देखो मैं कह रहा हूँ भाई I am with you मतलब मेरी ना यार मैं तो कुछ बोल ही है. तू बार मिल बेटा. ये देखो यार ऐसे कैमरे पे कौन धमकी देता थोड़ी नजाकत. हाँ, थोड़ा यहाँ पे तो होना चाहिए. यहाँ I'll see you. I'll see you outside, baby. जी टॉकिंग अबाउट द अमेजिंग एक्टर्स परेश जी एंड ऑफ कोर्स तन्वी आजमी. उनके उनके साथ काम किया परेश जी तन्वी जी अगेन बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं बहुत वेटरन हैं लेजेंडरी एक्टर्स हैं. दोनों के साथ काम करने में आई मीन काफ़ी चीज़ें जब आप ऐसे बड़े एक्टर्स के साथ काम करते हो हमेशा एक चीज़ आती है थोड़ा इनिबिशन होता है शुरुआत में कि यार मैं कैसे इनके सामने परफॉर्म कर पाऊँगा या कर पाऊँगी. एंड वो इन लोगों से एक सीखने वाली बात है कि ये इतने ज़्यादा आपको कंफर्टेबल कर देते हैं अपने साथ कि अचानक से आप घुल मिल जाते हो. दैट्स व्हाट दे क्रिएटेड विद बोथ ऑफ अस. कुकी चाचा बठिंडा वाला जानता है? हाँ, हाँ. तो कुकी चाचा के पड़ोसी की एक बीवी थी बॉबी. मोहल्ले वाले उसको मलाई बोलते और करतार सिंह पुत्र मलाई खा गया. हम उसके किराएदार हैं. करतार सिंह के नहीं मलाई के किराएदार. एंड आई एम रियली ग्लैड कि जिस तरीके से तन्वी जी टांग खींचती रहती हैं मतलब वो कुछ ना कुछ मेरे को हमेशा वो इस तरीके से देखती हैं जैसे मैं कुछ षड्यंत्र रच रहा हूँ. मेरे मतलब मैं कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि इसका मैं कैसे बुरा करूँ कुछ. अच्छा. तो वो मुझको हमेशा ऐसे कुछ बोलते हैं कि हीरो मुझे पता है क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में. सो बट इन अ फनी टॉन्टिंग वे एवरी टाइम शी इज लाइक पिक्चर के स्टार्ट से इनका ये चालू है मुझे पता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करे ऐसा. परेश जी तो मतलब एकदम बेस्ट फ्रेंड और बेस्टी बन गए. आई थिंक उनके साथ कभी भी किसी भी तरीके की बात कर सकता हूँ मैं और कैसे भी बात कर सकता हूँ वैसा सिनेरियो है. अब ये बड़ा सा कंट्रोवर्शियल वाला सवाल मुझे ये बताओ जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ इससे पहले भी बड़ी सारी फिल्में की हैं तो कितना टशन मारा इन्होंने? आई नो द मेकर्स आई नो द मेकर्स आई एम द स्टार. बेचारा ये तो घर की मुर्गी था उसकी वजह से. उल्टा घर का बच्चा था उल्टा हो गया. स्टार ट्रीटमेंट मुझे मिला. मुझे थोड़ी सी जलन होती थी कि सब इनको इतने अच्छे से जानते हैं इनका ऑलरेडी इतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है सबके साथ बट फिर घर की मुर्गी. मैं तो रोड पे लेटता था और फिर वो आते थे कोई बुलाने मेरे को चल शॉट रेडी है. हाँ हाँ भाई साहब हाय. टॉकिंग अबाउट द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी अश्विनी जी यू नो कमाल का लिखते हैं कमाल का यू नो डायरेक्शन करते हैं. इजी कड़क ऑन द सेट्स और इजी लाइक वेरी चिल आउट? इज कड़क व्हेन ही नीड्स टू बी कड़क बट वैसे वो हंसते रहते हैं. मैंने सुना किसी गाने में आप बेहोश हो गए थे क्या? अरे वो बेहोश नहीं हो गया था. मेरा चक्कर ये था कि मैं एक और फिल्म की शूट कर रहा था जो लव रंजन जी की एक और फिल्म है तो वो भी चल रही थी शूट और ये भी शूट चल रहा था और दारू विच के टाइम पे मेरे को वायरल बहुत बुरा हो रखा था तो जब शूट कर रहे थे और उसमें बहुत डांसिंग वगैरह बहुत चीजें थी तो वहाँ पे
वो क्लोज्ड एक एरिया था तो उसमें गर्मी बहुत थी, तो मैं जैकेट वैकेट पहना था तो शॉर्ट के टाइम पसीने आ रहे हैं, एंड देन जैसे ही शॉर्ट के बाहर गया तो एसी में खड़ा हो गया और वायरल ऑलरेडी था, तो मेरा हालत बहुत ऐसी हो गई थी कि एक पॉइंट पे शूट रुकवाना पड़ गया था। ओके, राघव सचर का म्यूजिक है, ही इज अ सुपर म्यूजिक कंपोजर, गाते बहुत अच्छा है, प्लीज उनके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताओ। ही हैज गिवन सम फैबुलस अमेजिंग सॉन्ग्स इससे पहले भी, इस फिल्म में भी उन्होंने ये दिल मेरा और फ्रैंकली तू सोनी नजदी तो गाया भी है उन्होंने। हाँ, ये वाला करना पड़ेगा ऐसे। फ्रैंकली तू सोनी नजदी, फ्रैंकली तू सोनी नजदी, कुड़िया दो तो एक जचदी, फ्रैंकली तू सोनी नजदी, फ्रैंकली तू सोनी नजदी, फ्रैंकली तू सोनी नजदी, कुड़िया दो तो एक जचदी, फ्रैंकली तू सोनी नजदी, फ्रैंकली तू सोनी नजदी। अब यहां पे एक ऐसे इतनी जल्दी थोड़ी छोड़ देंगे, यहां ढिसके आऊं राउंड होगा। कार्तिक, दिस वन्स फॉर यू, सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे। हां, आपकी कौन सी फिल्म से ज्यादा और कौन सी फिल्म से कम बोलेंगे आप गेस्ट इन लंदन को? अच्छा, अरे पंचनामा वन से ज्यादा, पंचनामा टू से कम। ठीक है, कृति ने ये सिखाया आपको फिल्मिंग के दौरान? अपफ्रंट होना। फैंस या लोग जब मिलते हैं तो व्हाट इज दैट वन थिंग दैट दे टेल यू? सबसे पहली चीज क्या बोलते हैं फैंस या लोग जब मिलते हैं? वो मोनोलॉग एक बार करके दिखा दो। मैं नहीं बोला इसीलिए, अभी बाद में देख लेंगे हम लोग। खुद का ब्रेकअप कितनी बार हो चुका है अब तक? सच्ची बोलना है? अरे अरे, मैं काउंट नहीं करता ब्रेकअप्स। हुआ है? हुआ है। रोहित ना सोच के, हाँ हुआ है। नहीं हुआ होगा तो देखना आज इसके बाद हो जाएगा। ब्रेकअप से निपटने का सबसे कूल तरीका क्या होता है? प्यार का पंचनामा देख। नहीं, फैमिली के साथ गेस्ट इन लंदन देख लो। Could you say that? Amazing. Kriti, this one's for you. कार्तिक के अलावा किसी और के साथ मौका मिलता वो भी अपनी चॉइस के हिसाब से इस फिल्म में हीरो बनाने का, तो किसको लेती? शाहरुख। नो, वरुण, वरुण धवन। वरुण धवन, ओके। प्यार कौन ज्यादा अच्छा करता है स्क्रीन पे, इमरान हाशमी या कार्तिक आर्यन? कार्तिक आर्यन। महसूस कर मुझे तू खुद में कहीं पे, है तेरी धड़कन जहां मैं हूं वहीं। ये मस्ती एक्टिविटी है, वी हैव टू डू दिस। कार्तिक एक चिप्पड़ पड़ोसी है जो कि जबरदस्ती आपके घर में चीनी वीनी लेने को आ गए हैं। हाँ। और आपको इनको भगाना है, है ना? You have to get rid of him, और आपको जाना नहीं है। So you're this चिप्पड़ पड़ोसी। हाँ। So you have to enact the thing. So here we go. टिंग टॉंग। अरे, हेलो मैडम जी। हाँ जी। आप बहुत ब्यूटी, मेरे को शक्कर चाहिए थी। नहीं, मैं पड़ोस में रहता हूँ, पड़ोस में रहता हूँ। नहीं है शक्कर। पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आते हैं। पर शक्कर नहीं है। पर फिर भी मेरे को सिर्फ दो चम्मच शक्कर चाहिए थी, चाय बनानी थी। शक्कर नहीं है। बट मेरे काम करे, दोनों साथ में चल के ले आए। हाँ, मेरे को वो भी चलेगा, लेकिन चलिए चलिए दोनों साथ में चल के ले आते, मुझे भी खरीदनी है ना। एक बार चेक तो कर लीजिए किचन में। मुझे पता है, मैं इनफैक्ट नीचे ही जा रही थी शक्कर लेने। अरे चलिए, तो आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? अरे प्लीज, मेरे को। अरे आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? अरे अरे चलिए ना, मैं अंदर अंदर चल जाओ यार, अंदर चले जा रही है, जा नहीं रहा यार, अंदर चलता हूँ ना, बाहर क्यों ले जा रही है? चलो ना। ठीक है, अब मान ही नहीं रही। That's Kriti Kharbanda and Kartik Aaryan. You guys are awesome. देखने जाना है Guest in London. You guys are fabulous. And together, एकदम आग on the screen. Thank you so much for talking to us. जाते-जाते एक मस्ती selfie.